कड़ू कारले तुपा तल्ले साखरेत गोळले तरी कड़ू ते कड़ूच कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते। डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है। जो गढ़चिरौली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कंपनी के लिए हो रही है। हमारा गढ़चिरौली अब फौलाद सिटी बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है, कड़ू कारले तुपा तल्ले साखरेत गोळले तरी कड़ू ते कड़ूच, यानी कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। अभी दो तीन दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राज्यों में जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बातें क्यों करता है। आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है? क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली सल्तनत से मोर्चा लिया था तब उन्होंने क्या ये कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या वास्ता? क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था? क्या लोकमान्य तिलक कभी सोच सकते थे कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो तो उसे महाराष्ट्र का क्या वास्ता? कभी नहीं सोच सकते। जब कश्मीर आतंकी आग में झुलस रहा था, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे खुलकर
कांग्रेस के खिलाफ आए थे, तब बाला साहब ठाकरे जी ने नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उससे महाराष्ट्र वालों का क्या वास्ता। मुझे खुशी है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनकी पार्टी बाला साहब के विचारों को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रही है।